नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और सर, हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, और नई वीडियो किसकी है? मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम के लिए। एक मैंने आपको जो यूनिट के क्या कहलवाया था, सिलेबस लिखवाया था, उसके अधीन ये चैप्टर आता है। देखो, हिंदी बोलेंगे अच्छे से, है ना? हिंदी वाले बच्चे परेशान ना हो, उनके लिए भी मैं वीडियोस इसी के अंदर आप थोड़ी सी, मैं जो समझाता हूँ वो हिंदी में ही समझाता हूँ, तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो यार। लिखना तो आपको खुद ही है, ये जो बच्चे समझा रहा हूँ ये इंग्लिश वाले बच्चे भी खुद ही लिखेंगे, ये बिल्कुल छाप के थोड़ी आएंगे, ये पूरा एक प्रॉपर वे थोड़ी है। समझ जिस चीज़ों को तुम समझ जाओगे ना, वो तुम लिख दोगे अपने आप, ठीक है ना? पहली यूनिट क्या थी हमारी? पहली यूनिट ये थी कि इवोल्यूशन एंड फंक्शन ऑफ मनी, यानी कि मनी का आविष्कार ही कैसे हुआ, यानी कि मनी कैसे जनरेट हुआ, कैसे इसकी प्रथा चली, इवोल्यूशन क्या हुआ, कैसे कैसे ये आया, किस किस फॉर्म में ये चला, तो ये सब इसी वाले यूनिट में देखेंगे हम लोग, ठीक है? नाउ सबसे पहले तो दिमाग में ये आना चाहिए, देखो एकदम फ्री ऑफ माइंड से आप बैठिए, और एक कॉपी मैंने आपसे कही थी 10 रुपए वाली कॉपी लेके आ रही है, हाँ तो लिखो, उसे खोलो, पेन निकालो और लिखना स्टार्ट करो, ठीक है? चलिए, नाउ सबसे पहले हम ये सोचते हैं यार कि यार सर मनी होता क्या है? मनी है क्या? मनी तो समझेंगे पहले बाद में, लेकिन उससे पहले अगर मनी जब पहले नहीं था, उससे पहले कौन सी चीज चलती थी यार, हमें तो ये समझो। तो आपने बहुत अच्छी तरह से नाम सुना होगा, अगर जो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ी है, सब लोग पढ़ते हैं, अगर आप बीकॉम थर्ड ईयर में इस वक्त हो तो सब लोगों ने पढ़ी हुई है। क्या पढ़ी हुई है? बार्टर सिस्टम, ये वाला सिस्टम पढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब क्या होता है? बार्टर सिस्टम मींस द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ वन कमोडिटी टू अनदर। पहले कोई एक चीज, यानी कि मार्कर के बदले पेंसिल लेना, यानी कि कमोडिटी टू कमोडिटी, यानी कि कोई भी चीज चीज के बदले चीज लेना, इसको हम क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई? बार्टर सिस्टम किसको कहते हैं? बार्टर सिस्टम उसको कहते हैं सर कि मतलब चीज के बदले चीज लेना, कमोडिटी टू कमोडिटी, उसको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम बोलते हैं। पहले ही चलता था, आप सभी लोगों को पता है यही चलता था, ठीक है? नाउ अब हम बात किसकी करेंगे सर? कमोडिटी टू कमोडिटी हो गया सर, इसमें डिफिकल्टीज ये आप लोगों से पूछता हूं, ठीक है? अभी तक ये चलता, ये वाला सिस्टम चलता, क्या हम लोग संतुष्ट थे? क्या ये चल पाता अब भी है? कोई यो कहे मुझसे कि कार के बदले कार, लेकिन मेरी फॉर्च्यूनर आपकी स्विफ्ट, हो सकता था ऐसे? नहीं सर, ऐसे तो सब ऐसी पागलबंदी थोड़ी है सही, इधर बहुत डिफिकल्टीज थी, है ना? जैसे कि किसी को दूध चाहिए, कोई ब्रेड दे रहा है, अब भैया जब ब्रेड आएगी तभी तो, मतलब जब चाय बनेगी जब ब्रेड खाने में मजा आएगा, है ना? अब ये नहीं कि सैंडविच बना के सूखी सूखी खा लो, आता है मजा, लेकिन यार वो डिफिकल्टीज बहुत थी उस टाइम पे, तो बार्टर सिस्टम चल नहीं पाया ज्यादा दिन, ठीक है? और चलने में बहुत डिफिकल्टीज आई सर। कैसी डिफिकल्टीज आई थोड़ा समझाओ, लिखी हुई है, देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको चाहिए अभी क्या, 1 किलो गेहूं चाहिए, ठीक है? छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपको क्या चाहिए? 1 किलो गेहूं चाहिए। गेहूं का मतलब क्या है सर? रोटी बनानी है हमें, ठीक है? और उसके पास क्या है? चावल। अब तुम चावल की रोटी थोड़ी बनाओगे यार, क्यों भाई? पकलो लो, ये बताओ यार, कितना डबल कोइंसिडेंस, किसी को चाहिए कुछ और दे कुछ रहा है वो, हाउ कैन बी पॉसिबल मैन? यस, नाउ सेकंड पॉइंट इज लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब यार किसी किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है, है उसकी अमाउंट पे, जैसे कि उसने कोई बड़ी चीज, कोई बड़ा सामान ले रहा है उसको, ठीक है? यानी खेती लेने है, तो वो क्या कह रहा है? मेरी भैंस ले लो। क्या ले लो? मेरी भैंस ले लो, खेत दे दो। और जिससे वो दूध लेता था, दूध से पैसे कमाता था बेच के, उसके पास तो वो चीज रही नहीं। अब खेत से क्या हुआ? खेत 1 साल बाद करके देगा अनाज। समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? डिविजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। लैक ऑफ कॉमन मेजर, यानी कि कोई चीज, जैसे मान लो, सपोज कर लो एक, ये मार्केट 15 रुपए का है, पेंसिल 5 रुपए की आती है, ठीक है? पेंसिल के बदले मार्केट ले सकता हूं? कोई मेजर ही नहीं है, मतलब कॉमन मेजर नहीं है सर,
या तो आप मुझे 5 रुपए तक की कोई चीज दो, या फिर पैसे तो अभी आए हुए हैं ना, कोई मतलब ऐसी चीज दो जिससे दोनों संतुष्ट रह सके, ठीक है? उसको बोलते कॉमन मेजर। कॉमन मेजर भी ठीक नहीं है सर आपका तो। नाउ डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, यानी कि आप किसी ने दूध दिया था, दूध वाला एग्जाम्पल, किसी ने दूध दिया हमको, अब दूध कितने दिन तक स्टोर कर लोगे, एक बार बताओ, है ना? स्टोर कर पाओगे कि नहीं? एक दिन के बाद खराब हो जाएगा वो। क्या आप ये सोचो कि आज मैं ना इससे ना 5 लीटर दूध ले लेता हूँ, देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको मैं स्टोर करके रख लूंगा, ठीक है, और 15 दिन तक यही पीऊंगा, कुछ भी तो क्या होगा, वो भी खराब हो जाएगा ना। डिफिकल्टी इन डिफर्ड पेमेंट, यानी कि किसी के पास कम पे, मतलब किसी की अमाउंट थोड़ी कम है ना, और किसी की वैल्यू ज्यादा है सामान की, ठीक है? यानी कि गेहूं ले लिया, चावल ले लिया, चावल की रेट 17 रुपए किलो चल रहा है अभी भी, और गेहूं का 26 रुपए किलो चल रहा है, तो बताओ कॉमन मेजर है कि डिफर पेमेंट, पेमेंट में डिफर आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इसीलिए क्या हुआ, मनी का आविष्कार हुआ। क्या हुआ? मनी का आविष्कार हुआ। सर मनी का आविष्कार कैसे हुआ सर? तो सर देखो, सबसे पहले तो वाटर सिस्टम चलता था। क्या चलता था? बार्टर सिस्टम चलता था। देखो मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया छोटा सा, इवोल्यूशन ऑफ मनी, ठीक है? इवोल्यूशन ऑफ मनी, सबसे पहले कमोडिटी मनी, कमोडिटी मनी इन द कमोडिटी कमोडिटी, ठीक है? सेकंड इज मेटेलिक मनी, जो देखो आपको अच्छी तरह से पता है मेटेलिक मनी क्या होते हैं, जैसे आपके कॉइन्स हो गए, है ना? पहले तांबे के सिक्के चलते थे, है ना? पहले क्या होता था कि गोल्डन कॉइन्स चलते थे, सिल्वर के कॉइन चलते थे, राजा महाराजा के टाइम पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन चले जाओ, वैदिक कल्चर में चले जाओ, वहां पर। बात करें पेपर मनी, फिर उसके बाद क्या चलने लग गए, पेपर मनी। देखो सिक्वेंस याद रखना, कमोडिटी मनी, कमोडिटी कमोडिटी, मेटेलिक मनी, पेपर मनी, उसके बाद क्रेडिट मनी, क्रेडिट कार्ड वगैरह, डेबिट कार्ड वगैरह आते हैं, वो वाला मनी की बात कर रहा है। एंड नियर मनी क्या होता है सर? क्या बोले सर? नियर मनी, नियर मनी, फिफ्थ पॉइंट है नियर मनी। सर ये कौन से होते हैं? जैसे आप नाम सुनते हो, शेयर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज, वो होते हैं हमारे नियर मनी। कौन से मनी होते हैं? नियर मनी होते हैं। क्या कौन कौन से होते हैं आपके? क्या हो गए? बॉन्ड आपके, क्या हो गए? शेयर्स आपके, क्या हो गए? सिक्योरिटीज, जितने भी होते हैं ये नियर मनी के अंडर आते हैं। तो देखो इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, कमोडिटी टू कमोडिटी हुआ पहला, दूसरा कौन सा हुआ? मेटेलिक मनी, तीसरा कौन सा हुआ? पेपर मनी। आपको लिखने को आए ना तो ऐसे लिख देना आप लोग कि पेपर मनी क्या होता है, सबको पता है पेपर मनी क्या होता है, सबको पता है ना, कि ये भी मैं समझाऊं अब मैं, चलो ठीक है ना। बात करते हैं मनी। अब सर मनी होता क्या है? क्या हम पेपर मनी, क्या कोई भी पेपर उठा लिया मैंने, यार मैं कोई क्या उठाऊं, ये उठा ली, क्या ये मनी हो सकती है? हाँ हो सकती है, अगर कोई कोई बंदा सामने वाला सामान दे दे तो, ठीक है? सर क्या बात कर रहे हो सर आप, मनी इज एनीथिंग, मनी कुछ भी हो सकता है, डेट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज मीन्स ऑफ एक्सचेंज, यानी कि जनरली क्या कोई सामने वाला क्या कर ले, उसको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है? मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू। उस टाइम पे जैसे कि आप पेटीज खाने गए और वॉलेट घर पे भूल गए, लेकिन अपने फोन साथ में लेके गए हो, फोन साथ में लेके गए हो, उसको हमने इलेक्ट्रॉनिक नंबर दिया, इलेक्ट्रॉनिक नंबर सर क्या बोल रहे हो सर, फोन पे करा आपने, मान लिया ना, पेटीज खा ली ना आपने, बर्तन तो दिन धुलवाया उसने है, ठीक है, पेटीज खा के आ गए आप, उसको आपने इलेक्ट्रॉनिक नंबर दिया, यानी कि उसके अकाउंट में आ गए, पैसे का लेन देन नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया, एक्सचेंज हो गया तुम्हारा गुड्स, तुम्हारे पेट में उसका सामान बिक गया, अकाउंट में नंबर आ गया उसके, ठीक है? सिंपल एज डेट। क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ मनी क्या होना चाहिए, मतलब कोई भी पेपर की फॉर्म में हो या नहीं हो, लेकिन सामने वाला एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको हम मनी बोल रहे हैं। अब सर फंक्शन ऑफ मनी, मनी के क्या फंक्शंस हैं? सर बेसिकली टू टाइप के होते हैं, और तीसरा जनरली हम मतलब मान लेते हैं कि ये भी होता है। देखो अभी मैं ना इसको समझा रहा हूं, देन अगली क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में इसके मैं इसको बिल्कुल बकायदा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आप क्या क्या लिखोगे अंदर वो भी मैं समझाऊंगा, यानी कि एक एक टॉपिक, ठीक है? नाउ मीडियम ऑफ प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड कॉन्टिजेंट फंक्शन, यानी कि कॉन्टिजेंट फंक्शन यानी फ्यूचर में आने वाले सोर्सेस, ठीक है? नाउ प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं सर? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा हमारा मेजर ऑफ वैल्यू। मीडियम प्राइमरी फंक्शन, मनी का प्राइमरी फंक्शन क्या है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि किसमें सामान लेन देन में काम आने वाली चीज है। अब ये 15 रुपए की मार्क, 15 रुपए का 20 रुपए का मार्कर है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं 15 या 20 रुपए ही उसको दूंगा, पे करूंगा, ठीक
ठीक है, और इसको आसानी से मैं बाय कर सकता हूँ ठीक है उस मनी से। ठीक है, मेजर ऑफ वैल्यू, इसकी वैल्यू पता चल गई कि ये 20 रुपए का है तो मैं 20 रुपए ही दूंगा, ना तो उसकी ज्यादा ज्यादा वाली चीज दे दूंगा ना कम वाली चीज दे दूंगा, यानी कि 20 रुपए का नोट दूंगा उसको, या 50 रुपए भी दिए मैंने उसको तो वो मेरे को 30 रुपए लौटा के देगा। ठीक है, क्योंकि इसकी मेरे को क्या पता चल गई, मेजर पता चल गया, यानी कि इसकी जो मार्कर की वैल्यू क्या है ये पता चल गई मुझे। नाउ सेकेंडरी फंक्शन क्या है सर इसका, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। क्या होगा कि आप क्या होगा, आप इसकी वैल्यू सही रेट में दोगे, ठीक है, डिफर्ड पेमेंट करोगे ना कि ज्यादा या कम करोगे। ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है, क्या स्टोर ऑफ वैल्यू इसकी, इसको रख सकते हैं, हाँ भाई कितने दिन भी रख लो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितने दिन भी रखो, इसके इंक लेके आओ, इसमें भरो दोबारा से। मैं पिछली मैंने सेकेंड ईयर भी इसी से पढ़ाई थी, आपको थर्ड ईयर भी इसी से पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत हुई स्टोर कर सकता हूँ ना। चलो ठीक है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ठीक है, ट्रांसफर इन द सेंस वही है स्टोर करना ही। ठीक है, कॉन्टिजेंट फंक्शन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनिशियल इनकम, ठीक है, फ्यूचर में काम आने वाली कोई भी इनकम। अब मनी है, मनी को हम कौन कितना कमा रहा है, सबका क्या रखते हैं, सबका क्या रखते हैं, गवर्नमेंट क्या रखती है, नजरें रखती है, और नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट होता है वो चीज। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या कर सकते हैं, पैसे को देख के अच्छा अच्छा कस्टमर क्या हो सकता है, सेटिस्फेक्शन मान लेगा कि हाँ भाई प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, ये सब किस में देखे जाते हैं, ये कॉन्टिजेंट फंक्शन होते हैं, ये लिक्विडिटी में रहता है और बेसिस ऑफ क्रेडिट रहता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है लिक्विडिटी, कभी मन चाहे जब पैसे को क्या कर सकते हो, लिक्विडिटी कर, यानी कभी से भी कहीं से भी आ सकता है पैसा, कहीं से भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है, कभी भी किसी भी चीज को बेच के। मैंने कही यार ये मेरे को पैसे चाहिए 10 रुपए, यार ये 20 रुपए का आया था, यार कि मैंने इस किसी को बेचना चाहा इसको, ठीक है, यानी कि ये 15 रुपए में ले लिया हटा खत्म कर। पैसे किसी चीज में आते हैं, लिक्विडिटी है, पैसा कहीं भी आ जाएगा, कैसे भी आ जाएगा पैसा। ठीक है, किसी भी चीज को बेच दो कमा लो, ठीक है, लिक्विडिटी में रहता है हमेशा पैसा, क्या रहता है, फ्लो करता रहता है कहीं से भी कैसे भी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ मनी, ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं मनी के, ड्यूरेबिलिटी यानी कि पैसा की जो रुपए की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कभी खराब होता है पैसा, या तुम्हारे जेब में 2000 रुपए नोट रखा हुआ है क्या वो 10 साल बाद खराब हो जाएगा? हाँ सर खराब तो हो जाना चाहिए था, क्योंकि सर डीमोनेटाइजेशन का पता नहीं है। अबे तुम गधे इंसान, डीमोनेटाइजेशन करवाओगे, डीमोनेटाइजेशन मतलब नहीं हो तो वो खराब नहीं होगा, एक्सचेंज करा, और डीमोनेटाइजेशन में पैसा खराब नहीं हुआ था, उसको एक्सचेंज करके दूसरे भी नोट मिल रहे थे। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज कोई भी सामान खरीदने के लिए, वेट यानी कि जो हमारे पेपर्स के नोट जो होते हैं वो क्या होता है, उनका जो वेट होता है बहुत लाइट होता है। मेजर ऑफ वैल्यू, कोई भी चीज को मेजर कर सकते हैं हम, वैल्यू उसकी वैल्यू पता कर सकते हैं कितने रुपए की होगी, जस्ट मान लो ये 20 रुपए की थी, किसी भी चीज की वैल्यू, बोर्ड की वैल्यू क्या होगी, यानी कि इसकी प्राइस क्या होगा, है ना। आप तो अकाउंट्स वाले बच्चे हो, आपको डेप्रिसिएशन वैल्यूएशन सब लगाने आता है, तो मज़ ले लो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, नेक्स्ट पार्ट में इसका आगे का मैं इसको थोरली पढ़ाऊंगा कि इसके अंदर आप कौन से पॉइंट लिखोगे और कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं सभी ये आपको बता के जाऊंगा। नाउ बात करते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स की। सर एक्स्ट्रा पॉइंट क्या बताओगे आप, कि देखो भैया अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना गया नहीं है, ठीक है, और जितने भी बच्चे ये कह रहे थे कि जनवरी में पेपर है, जनवरी में पेपर पेपर नहीं है, अप्रैल में पेपर है आप लोगों के, हो सकता है थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, मई में हो जाए, ठीक है, तो अभी पेपर नहीं है, आप निश्चिंत रहें। नाउ बात करें सेक्शन नंबर सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर ये प्रावधान दे रखा है, कौन से सेक्शन में, सेक्शन नंबर 22 में ये प्रावधान दे रखा है कि जो नोट छापेगा कौन छापेगा, सिर्फ और सिर्फ आरबीआई नोट छाप सकता है, और कोई अदरवाइज और कोई नोट नहीं छाप सकता। यहां तक बात क्लियर हुई? हाँ, दूसरे वो जो नोट है यानी कॉइन्स है वो कौन छापता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापती है, कौन छापती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापती है, लेकिन सेक्शन नंबर 22 के अंदर, आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर किसको हक दिया गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ नोट छाप सकता है, ये आरबीआई को ही क्या दे रखा है, आप मतलब क्या दे रखा है, गवर्नमेंट ने इसको एग्रीमेंट साइन कर रखा है। सेक्शन नंबर 24 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर सेक्शन नंबर 24 के अंदर दे रखा है, देखो
जो हमारे नोट होते हैं ना, नोट नोट कितना बड़ा, मैक्सिमम नोट कितने का छाप सकते हैं हम लोग, 10,000 तक का, हम लोग नहीं आरबीआई वाले, कितने तक का छाप सकते हैं, 10,000 तक का। और जो कॉइन होते हैं, जो सिक्के होते हैं, वो कितने तक के जारी करा सकता है, 1,000 रुपए के जारी करा सकता है कॉइन, ठीक है, कौन, आरबीआई। कैसी लगी इंफॉर्मेशन, अच्छी लगी तो लाइक करो यार, ठीक है। नाउ सबसे पहला जो पहला नोट था वो कौन सी कंट्री का, मतलब कौन सी कंट्री में छपा था पहला नोट, तो याद रखना सेवन सेंचुरी में चाइना के, क्या सेवन सेंचुरी में चाइना, देखो एमसीक्यू में ही पूछ लेगा, बहुत रेयर क्वेश्चन है ये लोग। अब प्लास्टिक नोट, प्लास्टिक नोट जो होते हैं वो सबसे पहले कहाँ छपे थे, ऑस्ट्रेलिया में 1988 में, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के 1988 में। देखो पहला नोट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू करा था वो कब करा था, इस 1917 में, और आरबीआई ने कब करा था, 1938 में। आरबीआई नोट छापता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी नोट छापता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपए का नोट छापता है, 1 रुपए का नोट आरबीआई नहीं छापता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके अंडर मतलब इसको कौन देखता है, फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं 1 रुपए के नोट में, आपको कभी दिखाऊंगा अभी नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा, फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं किस पे, 1 रुपए के नोट पे, ठीक है। आरबीआई फर्स्ट नोट कब छापा था, 1938 में। यहाँ तक की ये वीडियो थी, आपको समझा चुका हूँ हर एक वो पॉइंट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे चलते जाइए, लाइक करो, कमेंट करो, और जो समझ में आए वो पूछो कमेंट सेक्शन में, मैं आगे इंप्रूवमेंट की कोशिश करूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक करना, कमेंट करना, एंड शेयर जरूर कर देना दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब कर दो यार।